तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फोन की जिसको सब इज्जत देके बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं मोटो जी की, जो आ रहा है 5G के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके निर्माण गुणवत्ता की, यानी कि इसके ढांचे की, मीनिंग बिल्ड क्वालिटी। तो भाई फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि भाई पैदल डिस्प्ले, यानी कि धीरे चलने वाला डिस्प्ले है 60Hz का। 90Hz या 120Hz का पैनल आपको देखने को नहीं मिलता है। स्क्रीन में आपको चकाचौंध वाले कलर नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई एमोलेड पैनल नहीं है। और साथ के साथ आपको भाई बिंदी वाला, मतलब आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा कटआउट में। और जब हम बैक पैनल की बात करते हैं, तो भाई ग्लास्टिक टाइप का डिजाइन इन्होंने दिया है, और जिनको उंगली करने की आदत है उनके लिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक पैनल में मिला हुआ है। और भाई इसका ओवरऑल वजन देखा जाए तो करीबन 212 ग्राम है। तो आपकी इज्जत सिर्फ नाड़ा ही संभाल सकता है। अगर निक्कर पहनते हैं तो भाई ध्यान से नाड़ा टाइट कर लेना, भारी फोन है, निक्कर निकल जाएगा और इज्जत भी जा सकती है। और आपको इसमें यार हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, या तो आप 2 SIM लगा सकते हैं या फिर 1 SIM और 1 मेमोरी कार्ड। तो अगर आप फोन में स्टडी मटेरियल वाली वीडियो रखते हैं तो यार वो थोड़ी कम आने वाली है। देखने दिखाने में फोन यार देखने में तो प्रीमियम लग जाता है, लेकिन जब वो हाथ में लोगे तो वही प्लास्टिक से का डिजाइन है, ग्लास्टिक जैसे मैं बता चुका इसमें मिली है। इस प्राइस रेंज में ग्लास तो देना चाहिए था, बट जो है सो है। तो बात करते हैं इसके प्रदर्शन की, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस की। तो आपको इसमें देखने को मिलता है अभी ड्रैगन वाला प्रोसेसर, यानी कि स्नैपड्रैगन का 750G, जो कि भाई 5G प्रोसेसर है। तो भाई प्रोसेसर सुनने में तो 765G से नीचे का छोटा भाई लगता है, लेकिन ये छोटा भाई नहीं है। इसकी CPU परफॉर्मेंस थोड़ी उससे बेटर है। तो भाई आपके जो भी खेल कूद है, जो भी आप गेम खेलने वाले हो, पबजी या नकली पबजी, वो सारे अच्छी तरह चल जाएंगे। खेल कूद सर्टिफाइड है, मेरी तरफ से सारे गेम इसमें बढ़िया चलेंगे। साथ के साथ आपको इसमें देखने को मिल जाता है नियरली स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस। तो जो ब्लोटवेयर की जो फालतू एप्लीकेशन होती है वो देखने को नहीं मिलेगी, ना ही आपको एड्स देखने को मिलेंगे, जो कि हमारी सेल्समैन UI की कैटेगरी में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि रियलमी UI, MIUI और आजकल तो वन UI भी चुपके से एड दिखा देता है। तो जो आप टेंशन फ्री रहिए, भाभी के 18 प्लस वाले एड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। परफॉर्मेंस आपको सही मिलने वाली है इस फोन के अंदर। और 5G का सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो भाई जैसा भी 5G कर रहे हैं, उतना 5G आया नहीं है, तो ज्यादा 5G पे ध्यान देना मत, लेकिन 5G का सपोर्ट मिलता है इसके अंदर। काफी फ्लैगशिप लेवल के बैंड्स मिलते हैं, मतलब जो भी फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता है। तो 5G इसमें काफी अच्छा चलने की उम्मीद है, लेकिन जब 5G आएगा तभी पता चलेगा। तो 5G के ऊपर ज्यादा एकदम पागल मत हो जाना देख के, नॉर्मल बढ़िया इसमें प्रोसेसर आपको मिल जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो बात करते हैं फोन भाई चित्र कैसे लपकेगा, यानी कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसे होने वाली है। तो बैक में जब आप देखते हो तो आपको 4 बटन जैसे स्ट्रक्चर मिलता है, ना क्वाड कैमरा सेटअप नहीं, ट्रिपल कैमरा आपको सेटअप मिलता है। प्राइमरी सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है, फिर दूसरा सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जिसमें आप ज्यादा दुनिया देख सकते हैं। फिर तीसरा आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का भाई मैक्रो सेंसर, जिसे आप छोटी चीज को बड़ा करके देख सकते हो, मुन्नी को मुन्ना करके देख सकते हो। तो भाई कैमरा ने ज्यादा यार मेरे को मतलब इंप्रेस तो किया नहीं, क्योंकि आजकल 11,000 के फोन में 64 मेगापिक्सल का AIPI के कैमरे मिल जाते हैं, इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। बाकी ऑप्टिमाइजेशन वो सब देखनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग इस फोन में कैसी होगी वो जब फोन हाथ में आएगा तभी पता चलेगा। जब हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, यानी कि थोपड़े के कैमरे की, तो आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि भाई इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है, ज्यादा देते तो और बढ़िया रहता। बाकी कैमरा क्वालिटी भाई फोन जब हाथ में आएगा तभी पता चलेगा। अब बात करते हैं इसकी सहनशीलता की, यानी कि इसके बैटरी बैकअप की। तो आपको फोन के अंदर देखने को मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, और साथ में मिलता है 20W का टर्बो चार्जर। वो भाई प्रोसेसर्स में काफ़ी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी 5000 mAh के साथ भी, और मेरे हिसाब से डिसेंट चार्जिंग स्पीड आपको मिल भी जाएगी। तो ये फोन आपको एक ही वेरिएंट में मिलेगा भाई, 6 128GB के वेरिएंट में, 21,000 रुपये का लॉन्च हुआ है फ्लिपकार्ट के ऊपर। 7 दिसंबर से इसकी सेल चालू है। 2 कलर में मिलता है, मेरे को नाम नहीं पता दोनों के कलर के, मैं फोटो डाल दूंगा आप देख सकते हो। और ओवरऑल फोन के बारे में बताऊं तो भाई फोन ने मेरे को ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया, मतलब मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूँ, क्योंकि 21,000 रुपये में 60Hz का पैनल, वो भी IPS कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। भाई सैमसंग ने भी एमोलेड दे रखी है M51 के अंदर, आजकल इसी प्राइस रेंज में मिल रहा है, तो यार कम से कम एमोलेड होनी चाहिए थी, नहीं तो 90Hz तो पक्का ही पक्का बनता है, अब उन्होंने दी नहीं है। नॉर्मल सी स्क्रीन है, और कैमरे के अंदर भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस ये 5G करके मार्केट करना चाह रहे हैं कि भाई सबसे पहला 5G फोन इंडिया का हमने निकाला है, मतलब अपनी बजट सेगमेंट में, अपर मिड रेंज में। तो भाई आप देख लेना, मेरे को ज़्यादा खास लगानी, मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए थी 17,000 से 18,000 रुपये। अगर उससे ज़्यादा आप देखिए इसको खरीदते हो तो आपका वैसा कटेगा जैसे नाई ने मेरे बाल काटे हैं, तो आप देख के समझ सकते हो। मेरे हिसाब से ज़्यादा ओवर प्राइस फोन कर दिया है कंपनी। अगर आपको 17-18 तक ये मिल रहा है किसी डील डाल में तो ठीक है, नहीं तो अभी रुक जाओ। और 5G के पीछे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है भाई, अगर 5G लेना है तो और सस्ते फोन अभी लॉन्च होंगे, और कंपनी भी लेके आएंगी इससे प्रोसेसर के साथ ही, तो आप देख सकते हो। 5G लेने का भी कोई फायदा है नहीं, आया नहीं अभी इंडिया में 5G। अम्बानी जी कब निकालेंगे यार, अपने को पता ही नहीं, जब आएगा तब देख लेंगे। तो कुछ ऐसा भी नहीं है 5G डालने से 4G की स्पीड बहुत खतरनाक हो जाएगी, 4G के बैंड्स अलग होते हैं और 5G के अलग, तो कभी कभी कुछ केसेस में शायद आपको बैंड के चक्कर में थोड़ी ज़्यादा दिख जाए, बट
जनरली होती नहीं है। तो मेरे हिसाब से फ़ोन लेने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। अगर आपको ज़्यादा ही कि नहीं मोटो वोटो का फ़ोन लूँगा, इज्जत वाला फ़ोन लूँगा, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, तो भाई आप रुक सकते हो। मेरे हिसाब से मोटो का इतने में लेने का फ़ायदा नहीं है। थोड़े दिन वेट कर लो, रिव्यू देख लेना, आपको पसंद है। और मोटो की सर्विस मेरे को ज़्यादा कभी पसंद नहीं है। मेरे साथ एक तगड़ा इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले, 4 महीने इन्होंने घुमाया था, मोटो ने मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आई थी, उसकी वीडियो मैं ऊपर डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो कि मोटो की सर्विस एक्चुअली कैसी है रियलिटी में। तो भाई उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और यार कितने दिन से कह रहा हूँ इंस्टाग्राम पे यार फॉलो कर लो, भाई आता है लाइव, भाई बात करता है, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। और भाई अगर आपको ऐसी कॉमेडी के मसाले के साथ वीडियो पसंद आती है टेक की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अरे मम्मी एक्टिवा 5G अलग है, 5G फोन अलग है यार, क्यों यार, छोड़ो ना 5G, नहीं लेना 5G यार अपने को।